नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश का महा ओपिनियन पोल, आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर है। दोस्तों, यहां पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य के बारे में। दोस्तों, यहां पर यूपी के अंदर ओपिनियन पोल यानी जनता सर्वे निकल कर आ रहा है कि इस बार 2022 के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे जनता सर्वे के मुताबिक कि आज ही उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होते तो किसकी बनती है सरकार। यहां पर बीजेपी, एसपी, कांग्रेस और बीएसपी चारों पार्टियां मौजूद हैं और चारों पार्टियां एजी से चोटी तक का जोर लगाने पे तुली हुई है। पर दोस्तों, हम इन चारों पार्टियों के बारे में बात करेंगे कि चारों पार्टियों को जनता कितनी पसंद करती है और कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा हां करती है। पर दोस्तों, यहां पर पोल के जरिए हम बात कर लेते हैं थोड़े से। यहां पर बीजेपी के बारे में बात करें तो बीजेपी योगी सरकार मौजूद है और यहां पर अपनी मौजूदगी का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि दोस्तों यहां पर योगी सरकार को मौका मिला तो वो किसी भी निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे और अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए हर वो एक काम करेंगे जो उनके पार्टी को जीत दिलाने के लिए बनता है। पर दोस्तों, यहां पर एसपी सरकार इस बार किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है, जो कि पिछली बार बड़ी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन था उसका। पर दोस्तों, यहाँ पर एसपी सरकार की कैप्टन यानी कि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, बल्कि छोटी पार्टी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार को आगे तक बढ़ाएगा और अपनी जीत दर्ज करेगा। पर दोस्तों, यहाँ पर कहना है कि बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करके उनको नुकसान भारी झेलना पड़ता है और उनको सीटें ज्यादा देनी पड़ती है। पर दोस्तों, यहाँ पर छोटी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन होता है तो उनको पार्टी भी सीटें भी कम देनी होगी और उनको नुकसान भी इतना नहीं होगा। पर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस का मानना है कि वो किसी के साथ इस बार गठबंधन नहीं करेगी और बिना गठबंधन के रणनीति में भाग लेगी और यहाँ पर अपनी पार्टी को जीत दिलाने की पूरी उम्मीद जता रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर बीएसपी किसी के साथ बिना गठबंधन किए यहाँ पर हमेशा की तरह इस बार भी उतर चुकी है। पर दोस्तों, यहाँ पर देखना बाकी है कि बिना गठबंधन वाली पार्टियां कितने आगे जाती है और यहाँ पर एसपी सरकार का जो छोटा गठबंधन है वो कितना आगे जाता है। साथ ही दोस्तों, आगे इस अपडेट के बारे में बात करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे से संबंधित तमाम जानकारी इस रिपोर्ट सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और आप हर एक अपडेट से अगव रहेंगे। दोस्तों, जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब कर और अभी तक आपने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को कमेंट करके नहीं बताया तो नीचे कमेंट करके अंदर बताएं कि आप कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं यूपी के अंदर। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, चारों पार्टियों में से किस पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को छोटा सा लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द छोटा सा लाइक भी कर दीजिए। जानते हैं पहले जिले के बारे में, तो फुरकाबाद की चार सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में एक, एसपी खाते में दो, कांग्रेस खाते में एक, तो बीएसपी खाते में जीरो और खाते में जीरो। जामगढ़ की हम 10 विधानसभा सीटों के बारे में बात, 10 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में दो, तो एसपी खाते में आठ, कांग्रेस खाते में जीरो, तो बीएसपी खाते में जीरो, तो अदर खाते में जीरो। इसी के साथ दोस्तों, हमीरपुर की हम दो सीटों के बारे में बात करें, दो में से बीजेपी और एसपी खाते में दोनों को एक एक सीट मिल रही, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को जीरो सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 16 सीटों में तो बीजेपी चार पर है, तो एसपी 11 पर है, कांग्रेस एक पे, तो बीएसपी को जीरो, तो अदर खाते में भी जीरो। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुरादाबाद की 6 सीटों के बारे में बात करें, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में एक, तो एसपी खाते में चार, कांग्रेस खाते में जीरो, बीएसपी खाते में एक और खाते में जीरो। गाजीपुर की 7 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में दो, तो एसपी खाते में चार, कांग्रेस को जीरो, तो बीएसपी खाते में एक और खाते में जीरो। इसी के साथ दोस्तों, फतेहपुर की 6 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में दो, तो एसपी खाते में तीन, कांग्रेस खाते में जीरो, बीएसपी खाते में एक और खाते में जीरो। इसी के साथ दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की 35 सीटों के बारे में बात करें, 35 में यहाँ पर बीजेपी खाते में नौ, तो एसपी खाते में 22, बीएसपी खाते में तीन, तो कांग्रेस खाते में एक और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मिर्जापुर की 5 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में तीन, तो एसपी खाते में दो, बीएसपी खाते में जीरो, कांग्रेस खाते में जीरो और अदर खाते में भी जीरो। इसी के साथ दोस्तों, हम गौतमबुद्ध नगर की 3 सीटों के बारे में बात करें, 3 की 3 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे, जबकि दोस्तों यहाँ पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल जीरो सीटें हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर हम बुलंदशहर की 7 सीटों के बारे में बात करें, 7 में यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, तो एसपी खाते में एक, कांग्रेस खाते में एक और बीएसपी खाते में जीरो, तो अदर खाते में भी जीरो। इसी के साथ दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की 64 सीटों के बारे में बात करें, 64 में यहाँ पर बीजेपी खाते में 28, तो एसपी खाते में 29, कांग्रेस खाते में 3, तो बीएसपी खाते में 4 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात करें, यहाँ पर मथुरा की 5 सीटों में 5 की 5 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे, जबकि दोस्तों बाकी पार्टियों खाते में बिल्कुल जीरो सीटें ही हैं। ये पर मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में जहाँ पर बीजेपी खाते में एक, तो बीएसपी खाते में एक और कांग्रेस खाते में एक, तो एसपी खाते में 3 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट। इसी के साथ दोस्तों, हम देवरिया की 7 सीटों में जहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो एसपी खाते में 3, कांग्रेस को, बीएसपी और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीटें। पर दोस्तों, हम यही उत्तर प्रदेश की 82 सीटों के बारे में बात करते हैं, 82 में जहाँ पर बीजेपी खाते में 38, तो एसपी खाते में 35, कांग्रेस को 4, तो बीएसपी को 5 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर शाजापुर की 6 सीटों में जहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो एसपी खाते में 3, कांग्रेस को 1, बीएसपी को 0, तो अदर खाते में बिल्कुल जीरो। यहाँ पर दोस्तों, हम बदायूं की 6 सीटों के बारे में बात करें, 6 में यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो एसपी खाते में 2, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिली, तो बीएसपी को 0 और अदर खाते में जीरो। इसके साथ हम आगरा की 9 सीटों के बारे में बात करें, 9 में यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 4, कांग्रेस को 0, तो बीएसपी को 0 और अदर खाते में जीरो। इसी के साथ दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के 103 सीटों के बारे में बात करें, तो बीजेपी को 48, तो एसपी को 44, कांग्रेस को 6, बीएसपी को 5 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। फिरोजाबाद की 5 सीटों के बारे में बात करें, 5
2005 में जब बीजेपी को बिल्कुल जीरो सीट, तो एसपी को दो, कांग्रेस को एक और बीएसपी को भी दो, तो उधर खत्म बिल्कुल जीरो सीट। इसके साथ हम अमरोहा की चार सीटों के बाद चार में से बीजेपी को एक, तो एसपी को भी एक, कांग्रेस को एक, बीएसपी को एक और उधर खत्म बिल्कुल जीरो सीट। इसके साथ दोस्तों हम गाजियाबाद की पांच सीटों में से बीजेपी को एक, तो एसपी को दो, बीएसपी को एक, कांग्रेस को एक और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे दोस्तों। इसके साथ हम उत्तर प्रदेश की 117 सीटों के बारे में बात करें, जहाँ पर बीजेपी खाते में 50, तो एसपी खाते में 49, कांग्रेस को यहाँ पर 9, तो बीएसपी को भी 9 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर उन्नाव की हम छह सीटों के बारे में बात करें, छह में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो एसपी खाते में 3, कांग्रेस को यहाँ पर 0, तो बीएसपी को 1 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कुशीनगर की हम तीन सीटों के बारे में बात करें, तीन की तीन सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर एसपी, कांग्रेस, बीएसपी और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम कानपुर देहात की चार सीटों के बारे में बात करें, चार की चार सीटें बीजेपी के नाम होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर एसपी, कांग्रेस, बीएसपी और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की 144 सीटों के बारे में बात करें, 144 में यहाँ पर बीजेपी खाते में 70, तो एसपी खाते में 54, कांग्रेस को 10, तो बीएसपी को 10 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लखीमपुर की 8 सीटों के बारे में बात करें, तो 8 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, तो एसपी खाते में 2, कांग्रेस को यहाँ पर 1, तो बीएसपी को 0, अदर खाते में 0। इसी के साथ दोस्तों हम बल्कि 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो एसपी को 1, कांग्रेस को 0, बीएसपी को 0, तो अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। इसी के साथ दोस्तों इरदोई की 8 सीटों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, तो एसपी खाते में 3, कांग्रेस को 0, तो बीएसपी को 0, तो अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट। इसी के साथ दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की 164 सीटों के बारे में बात करें, 164 में यहाँ पर बीजेपी खाते में 83, तो एसपी खाते में 60, कांग्रेस को यहाँ पर 11, तो बीएसपी को 10 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें, तो अयोध्या की 5 सीटों में से 5 की 5 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर एसपी को 0, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को भी 0, तो अदर खाते में जीरो सीट। इसी के साथ दोस्तों हम बरेली की 9 सीटों के बारे में बात करें, 9 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो एसपी खाते में 2, कांग्रेस को यहाँ पर 2, तो बीएसपी को 1 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट। इसी के साथ दोस्तों बेरचाई की 7 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, तो एसपी खाते में 1, कांग्रेस को यहाँ पर 0, तो बीएसपी को 1 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट। उत्तर प्रदेश की हम 185 सीटों के बारे में बात करते हैं, बीजेपी खाते में 97, एसपी खाते में 63, कांग्रेस को यहाँ पर 13, बीएसपी को 12 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें, चंदौली की हम 4 सीटों के बारे में बात करें, 4 में से यहाँ पर बीजेपी को 3, तो एसपी को 1, बीएसपी, कांग्रेस को बिल्कुल 0, तो अदर खाते में बिल्कुल 0। इसी के साथ मऊ की 4 सीटों के बारे में बात, 4 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो एसपी खाते में 1, कांग्रेस को 0, तो बीएसपी को 1 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम बरचाई की 4 सीटों के बारे में बात करते हैं, बीजेपी खाते में 3, तो एसपी खाते में 1, बीएसपी और कांग्रेस को बिल्कुल जीरो सीट, तो अदर खाते में भी 0। इसी के साथ दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की 193 सीटों में जहाँ पर बीजेपी खाते में 105, तो एसपी खाते में 66, कांग्रेस को यहाँ पर 13, तो बीएसपी को 13 और अदर खाते में बिल्कुल जीरो सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सीतापुर की 9 सीटों में जहाँ बीजेपी को 8, एसपी को 1, कांग्रेस को और बीएसपी को 0, तो यहाँ पर सहारनपुर की 7 सीटों में बीजेपी को 4, तो एसपी को 3, बीएसपी और कांग्रेस को 0, तो यहाँ पर दोस्तों सुल्तानपुर की 5 सीटों में जहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 4, कांग्रेस और बीएसपी को फिर से 0 सीट। ये उत्तर प्रदेश की 218 सीटों में जहाँ पर बीजेपी खाते में 118, तो एसपी खाते में 74, कांग्रेस को यहाँ पर 13, तो बीएसपी को 13 और अदर खाते में 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। पर जौनपुर की 9 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, तो एसपी खाते में 3, कांग्रेस को यहाँ पर 0, तो अदर खाते में भी 0। शामिल की 3 सीटों में 3 की 3 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों बाकी पार्टियों खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 4 सीटों में 4 की 4 सीटें बीजेपी अपने नाम कर रही थी, यहाँ पर बाकी पार्टियों को बिल्कुल 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर 234 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 130, तो एसपी खाते में 77, कांग्रेस को यहाँ पर 13, तो बीएसपी को 14 और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों श्रीवस्ती की 2 सीटों में 2 की 2 सीटें बीजेपी खाते में जा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर एसपी, कांग्रेस, बीएसपी और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट हुई। दोस्तों महाराजगंज की 5 सीटों पर बात करें, 5 में जहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो एसपी खाते में 2, कांग्रेस, बीएसपी और अदर खाते में बिल्कुल 0। यहाँ पर दोस्तों कन्नौज की 3 सीटों के बारे में बात, 3 में से दोस्तों बीजेपी को 2, तो एसपी को 1, कांग्रेस और बीएसपी को 0, तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की 244 सीटों में जहाँ पर बीजेपी खाते में 136, तो एसपी खाते में 80, वही कांग्रेस को 13, तो बीएसपी को 14 और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इटावा की 3 सीटों में 3 की 3 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बाकी पार्टी को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है। वही रायबरेली की 6 सीटों में जहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो एसपी खाते में 0, कांग्रेस को 2, बीएसपी को 0, तो अदर खाते में 0। इसी के साथ दोस्तों बिजनौर की 8 सीटों में जहाँ पर बीजेपी खाते में 6, तो एसपी खाते में 1, कांग्रेस को 0, बीएसपी को 1 और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की हम 261 सीटों के बारे में बात करें, 261 में जहाँ पर बीजेपी खाते में 150, तो एसपी को 81, कांग्रेस को 13, तो बीएसपी को 17 और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें, तो यहाँ पर पीलीभीत की हम 4 सीटों के बारे में बात करें, 4 में से दोस्तों बीजेपी खाते में 3, तो एसपी खाते में 1, कांग्रेस को 0, तो बीएसपी को 0 और इसके साथ अदर। अमेठी की 4 सीटों के बारे में बात करें, 4 की 4 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर एसपी, कांग्रेस, बीएसपी और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम बस्ती की 5 सीटों के बारे में बात करें, 5 में जहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो एसपी खाते में 1, बीएसपी, कांग्रेस और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की 274 सीटों के बारे में बात करें, बीजेपी खाते में 160, तो एसपी खाते में 83, कांग्रेस को 13, तो बीएसपी को 18 और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं, महोबा की 2 सीटों में 2 की 2 सीटें बीजेपी और एसपी सरकार के फेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस, बीएसपी और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। ये पर दोस्तों बिलिया के 7 सीटों के बारे में बात, 7 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, तो एसपी खाते में 1, कांग्रेस को 1, तो बीएसपी और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों यहीं पर भदोही की 3 सीटों के बारे में बात करें, 3 में दोस्तों बीजेपी खाते में 2, तो एसपी खाते में 1, कांग्रेस, बीएसपी और अदर खाते में बिल्कुल
बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की 286 सीटों के बारे में बात करें तो बीजेपी को यहाँ पे 168 सीट मिली थी, एसपी को 86, कांग्रेस को 13, तो बीएसपी को 18 और अधिक खाते में 0। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कुशीनगर की 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, तो एसपी खाते में 1, कांग्रेस को यहाँ पर 1, बीएसपी को 0, तो अधिक खाते में 0। इसी के साथ प्रयागराज की 12 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 12, तो एसपी को 0, कांग्रेस को 0, तो अधिक खाते में भी 0। कानपुर देहात की 10 सीटों के बारे में बात करें 10 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, तो एसपी खाते में 1, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को यहाँ पर 0, तो अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की 315 सीटों के बारे में बात करें, बीजेपी खाते में 193, तो एसपी खाते में 88, कांग्रेस को 15, बीएसपी को 19 और अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बागपत की 3 सीटों में 3 की 3 सीटें कांग्रेस बीजेपी एसपी तीनों को 1 सीट मिली, तो बीएसपी को 0, तो अधिक खाते में बिल्कुल 0। यहाँ पर दोस्तों ओरिया की 3 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो एसपी खाते में 1, यहाँ पर कांग्रेस बीएसपी और अधिक खाते में 0। इसी दोस्तों जलौन की 3 सीटों में 3 की 3 सीटें बीजेपी अपने नाम करते हैं, यहाँ पर बाकी पार्टियों को बिल्कुल 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहीं पर उत्तर प्रदेश की 324 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 199, तो एसपी खाते में 90, कांग्रेस को यहाँ पर 16, तो बीएसपी को 19 और अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो लखनऊ की 9 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 7, तो एसपी खाते में 2, कांग्रेस बीएसपी और अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों बाराबंकी की 6 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो एसपी खाते में 2, कांग्रेस बीएसपी और अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम ललितपुर की 2 सीटों के बारे में बात करें, 2 सीटें बीजेपी खाते में जा रही है, दोस्तों बाकी पार्टियों को बिल्कुल 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की 341 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 212, एसपी खाते में 94, कांग्रेस को 16, तो बीएसपी को 19 और अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर संत कबीर नगर की 3 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, कांग्रेस को और बीएसपी को 0, तो अधिक खाते में 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों कोटा की 7 सीटों में यहाँ बीजेपी खाते में 6, तो एसपी खाते में 1, कांग्रेस को और बीएसपी अधिक खाते में बिल्कुल 0। इसी के साथ दोस्तों हम एटा की 4 सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 2, तो एसपी को भी 2, यहाँ पर कांग्रेस बीएसपी और अधिक खाते में फिर से बिल्कुल 0 सीट है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर 355 सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 222 सीटें, तो एसपी को 98, कांग्रेस को यहाँ पर 16, तो बीएसपी को 19 और अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर प्रतापगढ़ की 7 सीटों में 7 की 7 सीटें बीजेपी खाते में जा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बाकी पार्टियों को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर हापुड़ा की 3 सीटों में से बीजेपी को 2, तो एसपी को 1, कांग्रेस को 0, तो बीएसपी को 0, तो अधिक खाते में 0। इसी के साथ बांदा की 4 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो एसपी खाते में 2, यहाँ पर कांग्रेस बीएसपी और अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की 369 सीटों के बारे में बात करें, यहाँ पर बीजेपी खाते में 233, तो एसपी खाते में 101, कांग्रेस के यहाँ पर 16, तो बीएसपी को 19 और अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सोनभद्र की 4 सीटों में बीजेपी खाते में 3, तो एसपी खाते में 1, बीएसपी कांग्रेस और अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट है। यहाँ पर दोस्तों रामपुर की 3 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो एसपी खाते में 1, कांग्रेस बीएसपी और अधिक खाते में फिर से 0 सीट है। यहाँ पर दोस्तों कौशंबी की 3 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो एसपी खाते में 1, बीएसपी और कांग्रेस खाते में बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 381 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 243, तो एसपी खाते में 103, कांग्रेस को 116, तो बीएसपी को 19 और अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर गोरखपुर की 9 सीटों में से 9 की 9 सीटें बीजेपी अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर एसपी, कांग्रेस, बीएसपी और अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों सिद्धांतनगर की 5 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो एसपी खाते में 1, कांग्रेस को बिल्कुल 0, तो बीएसपी को 0, तो अधिक खाते में 0। इसी के साथ दोस्तों वाराणसी की 8 सीटों में से 8 की 8 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर एसपी, कांग्रेस, बीएसपी और अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की लास्ट एंड फाइनल 403 सीटों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी 264 सीटों के साथ अपनी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर एसपी को 104, तो कांग्रेस को 16, बीएसपी को 19, तो अधिक खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जनता सर्वे के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 264 सीटों के साथ अपनी जीत पक्की कर सकती है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी नीचे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को ऑल पर प्रेस कीजिए। ऐसे में आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित तमाम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से जल्द लाइक भी कर दीजिएगा।